Bhujodi, a quaint village nestled in the Kutch district of Gujarat, is a living testament to the enduring spirit of craftsmanship. For centuries, the Vankar community has called this place home, their lives intricately woven with the threads of tradition. Known primarily for their expertise in weaving blankets, shawls and carpets, the artisans of Bhujodi have transformed their heritage into a thriving industry. Historically, the community's livelihood was dependent on the local farming and shepherd communities, the Ahirs and Rabaris. However, the resilience of these artisans has seen them through the ages, adapting to changing times. Bhujodi is now known for its award-winning weavers, recognitions that have served as catalyst, propelling the village into the limelight and attracting tourists and buyers from far and wide. Government initiatives aimed at reviving the Kutch region's crafts have also proved a much-needed boost. Exhibitions and fairs have opened new markets, both domestic and international. Bhujodi एक फेमस जगह बन गई है अभी, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे नेशनल अवार्डीज हैं, काफ़ी सारे लोग अपनी चीज़ें बनाने में विख्यात और देश विदेश में उनका नाम हो गया है। तो जो लोग यहाँ पे आते हैं वो Bhujodi का विजिट करते हैं, और यहाँ से जो चीज़ है, जो बनती है, यहाँ की जो खासियत है, वो चीज़ अपने लिए ले जाते हैं, और कुछ लोग आगे जाके वो बिजनेस करते हैं और ज़्यादा फिर उसमें काम आगे बढ़ता है। तो एक तो ये विंटर के टाइम का सेल होता है, दूसरा कुछ कंपनियां हैं जैसे सेंट्रल कॉटेज हो गया दिल्ली में, फैब इंडिया हो गया, ऐसे दूसरी जो बड़ी कंपनियां हैं जैसे रिलायंस हो गया, टाटा बिरला हो गया, ऐसी जो कंपनियां हैं वो कारीगरों को बढ़ावा देने के लिए कुछ सामान लेती हैं। तीसरा होता है एग्जीबिशन, जैसे कुछ गवर्नमेंट के अच्छे अच्छे एग्जीबिशन होते हैं अलग अलग सिटियों में। The weavers of Bhujodi have diversified their product range, also venturing into saris and stoles, apart from traditional carpet and blanket weaving, to cater to evolving tastes. They are determined to preserve their legacy. 66-year-old master carpet weaver Veerji Khetabhai Siju says he's been passing on the intricate art to the younger generation and sees a bright future. But there is a need for concerted efforts to attract the younger generation facing the pull of contemporary careers. इस काम का सर भविष्य तो बहुत ऊंचा है, लेकिन एक्सपोर्ट में यहाँ चलता है, इंडिया में ऐसा नहीं है नहीं चलता है, लेकिन एक्सपोर्ट में इतनी मांगे आपके पास 50 कारीगर है ना तो भी कम है। ये देखो लड़का मेरे पास ही सीखा है, पहले पढ़ लिया तो आ गया इधर मेरे पास, समझ लो एक साल तो मेरे पास मैंने सिखाया इसको, डाइंग भी सिखाया, ये भी सिखाया, और आज अपने आप खुद करता है, फिर सीख जाए फिर अपने घर या किधर भी करना चाहता है वो कर सकता है। द गुजरात गवर्नमेंट्स गरवी गुर्जरी इनिशिएटिव इज ऑल्सो प्लेइंग अ पिवोटल रोल इन रिवाइविंग द स्टेट्स हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट सेक्टर थ्रू इट्स एम्पोरिया, एग्जीबिशंस एंड ऑनलाइन प्रेजेंस। It recently witnessed sales reaching rupees 25 crores, breaking record of 50 years. An official said the initiatives such as One District, One Product and the move to gift traditional products by the top leadership has helped promote Gujarat's artisans on the global stage. हमने last year जो भी काम किया, achieve किया target वगैरह, तो उसके पीछे हमारी काफी सारी गुजरात सरकार की नई पहल भी थी, जिसमें ODOP करके वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की नई स्कीम हमने लॉन्च की है। उसके तहत हर एक डिस्ट्रिक्ट में कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो बहुत अच्छे तरीके से बनाई जाती है, हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट का वारसा है, जैसे पाटन का पटोला साड़ी है, अहमदाबाद में हमारा कलमकारी वर्क है, सुरेंद्रनगर में टांगलिया वर्क है, आनंद में हमारा अगेट है, कच्छ में हमारा बांधनी है,
और ये भुजोड़ी शॉल वगैरह है, ऐसी हर एक डिस्ट्रिक्ट की जो भी मेन मेन चीज़ें हैं जो हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट को रिप्रेजेंट करती है, उसकी एक नई स्कीम बनाई, उसमें हम तालीम भी देते हैं और उसके एग्जीबिशंस थ्रू हम ये चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में प्रचलित कर पाए हैं, और वो भी एक फैक्टर रहा कि जिससे हमें इतना सेल हासिल करने में मदद हुई। With the ongoing support from the government and continued dedication to their craft, the artisans of Gujarat are weaving a bright future for generations to come. They are a shining example of how tradition and innovation can coexist, leading to a vibrant and sustainable future.